एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी एप्पल स्मूदी विद द गुडनेस ऑफ फिग्स एंड आमंड्स। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। आप इसे विद इन 5 मिनट्स बना करके रेडी कर सकते हैं। एप्पल्स आप जानते हैं कितने हेल्दी होते हैं, हमारे मेटाबॉलिक लेवल्स को बूस्टअप करते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिंपल सी रेसिपी। ले लीजिए 1 कप, बोल, कटोरी, कुछ भी, उसमें डालेंगे हम ड्राइड फिग्स। तो मैं डाल रही हूँ 4। आप जितने लोगों के लिए बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ करीब 7 से 8 बादाम। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके मैं सोक करूँगी रात भर के लिए। आप 4 to 5 hours के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप रात भर के लिए कर दीजिए और सुबह ब्रेकफास्ट में इसे बना लीजिए। आप इसमें काजू ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, मुनक्का ऐड कर सकते हैं। और मैं सुबह दिखाती हूँ आपको कैसे हो गए। देखिए बढ़िया तरीके से फूल गए हैं फिग्स, कितने अच्छे फूल गए हैं। और जो फिग्स की स्वीटनेस है ना स्मूदी में, वो बहुत अच्छी लगती है। आपको एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको लगे कि कम मीठा है तो आप उसमें हनी ऐड कर लीजिएगा। और मैं ये बना रही हूँ एप्पल के साथ खाली, तो मैंने ले लिया है 1 सेब। इसे छील करके मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें 1 एप्पल या 1 बनाना डाल सकते हैं, या खाली बनाना के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब ले लीजिए 1 ब्लेंडर जार, उसमें 1-1 करके सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। तो डाल दीजिए इसमें फिग्स और बादाम, डाल देंगे जो हमने एप्पल्स चॉप करके रखे थे, और उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1 बड़ा कप दूध। तो दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे है, तो उसे डाल देंगे, ऐड कर दीजिए। और अब मैं ले लूँगी थोड़ी सी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ डेट्स। तो मेरे पास सीडलेस डेट्स हैं, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिया है। अगर आपने फ्रिज में रखे हों या थोड़े से हार्ड हों, तो इसे जहाँ पर आपने फिग्स को भिगाया था ना बादाम को, साथ में इसे भी भिगा दीजिएगा। और डाल रही हूँ 1/4 teaspoon दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो ज़रूर से डालिएगा। और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मतलब ब्लेंड कर लेंगे, जब तक बहुत अच्छी से ये मिक्स ना हो जाए, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी ना हो जाए। और बहुत बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी रनी पसंद है तो इसमें दूध की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है स्मूदी के लिए। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं, और मैं दिखाऊंगी इसमें एक चीज़ आप ऐसी क्या ऐड कर सकते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो किसी भी ग्लास में डाल करके आप सर्व कर लीजिए। फिक्स जानते हैं बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए, दे आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम और बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। बादाम बहुत सारा विटामिन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और मैंने गार्निश कर दिया है थोड़े से बादाम के पीसेस के साथ में, पतले पतले मैंने फ्लेक्स कट कर लिए थे, और थोड़े से एक्स्ट्रा एडेड कलर के लिए मैंने लगा दिया है इसमें छोटा सा मिंट लीफ। तो हमारी हेल्दी स्मूदी बनकर रेडी है। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं चिया सीड्स। जी हाँ बिल्कुल, चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं। और आप कैसे ऐड करेंगे, 1 चम्मच चिया सीड को लेकर के थोड़े से पानी में सोक कर दीजिए। आप इसे भी रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और जब आप देखेंगे ये हल्के से फूल जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भीगने के बाद ही कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, हल्के से स्टिकी जैसे हो जाते हैं। इसे आप ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा रिच सोर्स हैं ओमेगा 3 का एंड फाइबर, गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो 3 से 4 चम्मच चिया सीड्स आप इसमें ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिया सीड्स को इस तरह से आप सोक करके आप स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, शेक्स में ऐड कर सकते हैं, आइसक्रीम में ऐड कर सकते हैं, या सैलेड में ऐड कर सकते हैं। तो इसे कई तरीके से आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। गार्निश कर दीजिए बादाम के पीसेस के साथ, हल्के पतले पतले जो मैंने फ्लेक्स कट करके रखे थे उसको मैंने डाल दिया है इसके ऊपर, और लगा दी है मैंने मिंट लीफ, और थोड़ा सा मैं ये चिया सीड्स ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ। आप इसे और गार्निश कर सकते हैं सनफ्लावर सीड्स के साथ। आप जानते हैं सनफ्लावर सीड्स भी कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं सनफ्लावर सीड्स, और इसे आप ब्रेकफास्ट में पी सकते हैं, शाम को जब आपको छोटी मोटी भूख लगती है उस समय पी सकते हैं, और ये काफ़ी फिलिंग होती है, इसे काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।